नमस्कार, मैं संजय। आज हम लोग बात करेंगे हथुआ की चिकित्सा व्यवस्था पर। जैसे हम लोग पहले से बातचीत करते आ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र के विकास की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसमें कृषि है, उद्योग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेल है, तकनीकी सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद्युतीकरण है, कानून व्यवस्था है, परिवहन है, ये सबकी हालत हथुआ में बद से बदतर है। तो आज हम लोग स्वास्थ्य पे बात करेंगे, शिक्षा पे बातचीत कर चुके हैं, उद्योग पे भी काफ़ी कुछ बातचीत कर चुके हैं, उद्योग पे एक चीज़ और चलाएंगे। तो आज हम लोग स्वास्थ्य सुविधा पे बात करते हैं हथुआ में। हथुआ में सबसे अच्छी बात ये रही है कि यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल है। अनुमंडलीय अस्पताल काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुविधाजनक था। आज से करीब 30 साल पहले इस अस्पताल की जो हालत थी वो बहुत शानदार थी। दूसरे जगह के मतलब इंटीरियर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर के लोग आ करके यहाँ पे इलाज कराते थे और वो अपने बीमार अवस्था में रोते रोते आते थे और खुशी खुशी जाते थे। वार्ड भरे रहते थे, लोग उसमें एडमिट होने के लिए पावरफुल लोगों से, कद्दावर लोगों से, लोकल स्थानीय नेताओं से पैर भी लगाते थे। लेकिन आज हालात ये है कि यहाँ पे मरीज आता है, सीरियस कंडीशन में आता है, तो बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी तो गारंटी छोड़िए। यहाँ के स्टाफ पहले देखते ही उसको बोलेगा सीरियस है, इसे गोरखपुर ले जाओ, पटना ले जाओ। पटना गोरखपुर ले जाते ही रास्ते में दम तोड़ देगा। इवन प्राथमिक इलाज भी नहीं करते हैं, कुछ सुविधाएं नहीं है। हम लोग इसको पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे देखेंगे, आपको हम लोग एक वीडियो दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा समृद्ध अस्पताल है यहाँ पे। ये GNM छात्रावास भवन हथुआ ये खुल गया। इसमें बॉयज़ का है, गर्ल्स का है, इसमें नर्सिंग स्टाफ के लिए ट्रेनिंग होती है। इधर कॉलेज भी खुल गया ट्रेनिंग का, और इसमें जो व्यवस्था बनी है शिक्षण संस्थान की, पढ़ाने की, प्रशिक्षण की व्यवस्था बनी है, तो उससे थोड़ा सा नई बिल्डिंग है तो दिख रही है, लेकिन मूल अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी मामले में कम नहीं है। इसमें हमने कई सारे गैलरीज, वीडियोज और कमरे हमने आपको दिखाए हैं, और हमने अभी से नहीं देखा, ये हम लोग बचपन से चूँकि यहाँ के हैं तो शुरू से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर कितनी शानदार सुविधाएँ थी, लेकिन आज ये सुविधाएँ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि ये अस्पताल पहले इसका नाम होता था महारानी राम दुलारी कुंवर अस्पताल, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके महारानी राम दुलारी कुंवर अनुमंडलीय अस्पताल कर दिया गया। महारानी राम दुलारी कुंवर अस्पताल के जगह पे तो लिखा है महारानी राम दुलारी कुंवर अनुमंडलीय अस्पताल, लेकिन मेन गेट पर अनुमंडलीय अस्पताल लिखा गया, सरकारी नाम है। यहाँ पे इनकी प्रतिमा लगी है, ये प्रतिमा 2017 में हथुआ राज ने लगाया है। ये लिखा है यहाँ पे डाउजर महारानी राम दुलारी कुंवर की प्रतिमा महारानी साहिबा पूनम शाही द्वारा 8 सितंबर 2017 शुक्रवार को स्थापित। ये महारानी राम दुलारी कुंवर उनके नाम पर ये अस्पताल को बनाने के लिए हथुआ राज ने जमीन डोनेट किया था, इसलिए इनका नाम पे ही अस्पताल चला था। लेकिन बाद में इसको सरकार ने नाम नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे नाम चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हथुआ में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्पताल का, चिकित्सा व्यवस्था का, उसके बावजूद यहाँ के लोग इलाज के लिए गोरखपुर, पटना जाते हैं, सिवान जाते हैं, गोपालगंज जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? आप जब भी बात करेंगे, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, मंत्री हैं, रामसेवक जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी, और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता जो सत्ता पक्ष में भागीदारी जिनकी है उन लोगों से भी बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि डॉक्टरों का जो है प्रोसेस में है, डॉक्टर नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में है। हकीकत यह है कि जब भी पूछो उनका जवाब यही रहता है, और यहाँ डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर हैं वो मौके पर मिलेंगे नहीं, जो स्टाफ हैं वो ठीक से बात नहीं करेंगे। आपने वहाँ पर देखा होगा एम्बुलेंस की व्यवस्थाएँ नहीं है, यहाँ पर आपको मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक उन्नत किस्म का OT था, ऑपरेशन थिएटर था, लेकिन अब ऑपरेशन थिएटर कभी खुलता नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र भी है यहाँ पे, मतलब कोई नशे से ग्रस्त है तो उसके पुनर्वास के लिए, उसको रिकवर के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ पे केंद्र खुला हुआ है। उसका वीडियो आप देखें, अब हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है, उसमें बिल्कुल भी झोल मकरे लगे हुए हैं, जर्जर हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कई महीनों से खुला ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी व्यवस्था तो सरकार ने बना रखी है, लेकिन उसका सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। आप इमेजिन कीजिए, कोई भी आदमी, ये शरीर है, शरीर है तो बीमारी है, बीमार आज नहीं तो कल होना ही होना है। स्थानीय लोग बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? आपको हम बता दें, जब यहाँ पे एक जब धीरे 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 30 साल में इसकी व्यवस्था धीरे 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 बदहाल होने लगी, तो आज के डेट में जितनी बदहाली उतना पहले भी नहीं थी। डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पे बैठते थे, तो कम से कम
लोग अपना आता था ओपीडी में, वो पर्ची लिखते थे, दवा लिखते थे, तो बाहर जाके वो दवा ले लेते थे और लोगों को दूसरे डॉक्टर के पास जो 200-300 रुपया दे करके इलाज कराना पड़ता था और दवा वही दवा लिखाना पड़ता था, वो एक फ़ायदे की बात थी। लेकिन आजकल वो भी नहीं हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि सरकार, बिहार सरकार जो चिकित्सा की जो जो दावे करती है वो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन धरातल पर रियलिटी में ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इस अस्पताल की रौनक बस इसी से है कि यह NM ट्रेनिंग सेंटर खुल चुका है, जिसके कारण यहाँ प्रशिक्षण के लिए दूसरे जगहों से नर्स आती हैं, वो स्थानीय भी नहीं है। स्थानीय नहीं होने के कारण क्या है कि हमें पता भी नहीं चल पाता है। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होने के कारण इसमें क्या होता है कि बाहर से लड़के जो सेलेक्ट होकर आते हैं वो आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ के हथुआ के स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था की, तो यहाँ पे सुविधाएं हर तरह की है, लेकिन सिस्टम इतना कोलेप्स हो गया है कि हम लोग कुछ चाह के भी नहीं कर सकते हैं। बीमार कोई भी पड़ सकता है, ये शरीर है, हम लोग खाते हैं तो बीमार आज नहीं तो कल होना है, हर किसी को होना है, ये प्राकृतिक है, नियम है, सेहत का ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन जब कोई खुदा न खास्ते कोई बीमार पड़ जाए, और कोई भी बीमार पड़ सकता है, तो इमरजेंसी में इस एरिया में जो लोग भी हैं सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, और बाद में जब यहाँ से रेफर होता है मरीज तो उसको इस बात का एहसास होता है कि हथुआ अस्पताल जाके टाइम वेस्ट की है। ये नहीं होना चाहिए था। हमें बस ये कहना था कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं इस अस्पताल में वो यहाँ से नदारद क्यों है। यहाँ के 15 साल से एक ही व्यक्ति विधायक है, एक ही पार्टी का विधायक है, तो उन्होंने इसको लेकर के प्रयास क्यों नहीं किए? ये जेन्युइन सवाल है, ये हमारा सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर यहाँ से आने वाले, रोते रोते आने वाले मरीज रोते रोते वापस क्यों जाता है? वहीं दूसरे शहरों में जाता है, रोते रोते जाता है, हंसते हंसते आता है, ऐसा क्यों? ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक ही और कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने की बात होती तो कहते हैं ज़मीन नहीं है जी। यहाँ पे तो है तो सारी सुविधाएं हैं, कम्प्लेक्स इतना बड़ा है और हर चीज़ की है। आप बिल्डिंग अंदर एंट्री में वीडियो के मार्फत देखिए और समझिए कि सारी चीज़ें हैं, कमरे हैं, व्यवस्था हैं, वार्ड हैं, जिसमें सफिशियंट लोग भर्ती हो सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को तनिक भी इस अस्पताल पे अब भरोसा नहीं रहा कि हम बेहतर इलाज के लिए यहाँ पे जाएं। कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ कंसल्ट ही नहीं करता, वो सीधे गोरखपुर की बात करता है, सीधे पटना की बात करता है, बनारस की बात करता है, या सिवान में कोई अच्छा डॉक्टर तलाशता है या फिर गोपालगंज में तलाशता है। तो आप इसे इमेजिन कीजिए कि हम जो है बुनियादी सुविधाएं हैं चिकित्सा की, मेडिकल की, उससे महरूम है। ये पूरा एरिए के लोग महरूम है, और किस गुनाह की सज़ा है ये कि वो अपने बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से महरूम रहे? सब चीज़ होने के बाद भी क्या चीज़ की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल अस्पताल जो है, एक बेहतरीन अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सफिशियंट यहाँ पर है, और लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण व्यवस्था बदहाल है। आप यहाँ देखेंगे सुअर घूमते हुए मिल जाएंगे, आवारा कुत्ते घूमते हुए मिल जाएंगे। ऐसा कई बार प्रकरण आ चुका है कि जो ऑपरेशन थिएटर के जो चीज़ें हैं उसे कुत्ते नोचते हुए दिखाई दिए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इसकी जिम्मेदारी आगे बढ़ के कौन देखेगा, कौन पड़ताल करेगा? ये अपने आप तो करेंगे नहीं, जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं, इक्का दुक्का जो डॉक्टर, उनको सफिशेंट नौकरी, वो नौकरी विशुद्ध रूप से नौकरी कर रहे हैं और कम्फर्ट जोन में जा कर के नौकरी कर रहे हैं। देखिए कुत्ता जा रहा है आवारा से, कितना मुँह खोले हुए खूंखार टाइप में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम पूरी तरह से कंफर्ट जोन में जा चुका है, और कंफर्ट जोन में जा करके वो पूरी तरीके से नौकरी कर रहे हैं विशुद्ध रूप से, उनको महीने के तारीख को सैलरी मिल जा रही है, और यहाँ पे आने वाले मरीज मरे या कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है। कोई इक्विपमेंट है कि नहीं है, इवन कुत्ता अगर काट देना तो यहाँ पर इंजेक्शन आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको बताएं कि बरसात के दिनों में ये आता है, गर्मी के दिनों में आता है कि सांप स्नेक बाइट की घटनाएं बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे उसके इंजेक्शन नहीं मिलेंगे। इमरजेंसी में आप आएंगे तो अंधेरा रहेगा, एम्बुलेंस आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग का हक की बात है, लेकिन हमें जो चीज़ है बुनियादी सुविधाएं हैं जहाँ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। तो इसके देखिए ओटी, आइए ओटी की ओर चलते हैं। वो कैसे जो है कुत्ता जो है ओटी के पास में वो घूम रहा है, आइए चलिए उधर चल के देखते हैं। पहुँच कर लिए, एक कुत्ता ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे कुत्ता अपना खुजली कर रहा है। सरकार के योजनाओं का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, ये दिखाइए परिवार नियोजन,
है ना, नसबंदी बाध्यकरण महिलाओं को 2000 मिलेंगे, पुरुषों को 3000 मिलेंगे, उत्प्रेरक जो होगा 300 मिलेगा महिलाओं के लिए, 400 मिलेगा पुरुषों के लिए। यहाँ दिखाइए जननी बाल सुरक्षा योजना, यहाँ दिखा दीजिए, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपया, आशा कार्यकर्ता को 400, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400, आशा को 600। देख लीजिए कुत्ते जो है कैमरा देख के पीछे मुड़ गया, आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हालत होगी व्यवस्था यहाँ की।